For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. हिमांशी खुराना और आसिम रियाज की शादी हो चुकी है, जी हाँ, और हिमांशी ने रिसेंटली पिक भी शेयर की है. वेल वेल वेल, क्या है ये पूरी खबर, ये मैं आपको बताती हूँ. वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहा. हिमांशी खुराना और आसिम रियाज टॉक ऑफ द टाउन बने थे बिग बॉस सीजन 13 से, अलॉन्ग विद शहनाज गिल एंड सिद्धार्थ शुक्ला. लेकिन इन दोनों ही कपल ने घर के बाहर आते ही एक तरीके से अपने रिलेशनशिप को कंफर्म कर दिया और फिर देयर जस्ट लिविंग देयर रिलेशनशिप, और ऐसे में लॉकडाउन हो गया. लेकिन अब मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन होने के बावजूद ये दो गाने, इनके दो बैक टू बैक रिलीज हो चुके, ऑडियंस को बहुत पसंद आए हैं. रिसेंटली इनका कल एक गाना आया ख्याल रखा कर, और उस गाने को ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया. ऐसे में हिमांशी ने एक पिक्चर अपलोड की है जहाँ पर वो चूड़ा, जो पंजाबियों में बहुत फेमस होता है, शादी के बाद आप चूड़ा पहनते हैं एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल, आई एम ऑब्सेसिंग ओवर इट, बट चूड़ा पहने हुए हिमांशी खुराना नजर आई और उन्होंने फोटो डाली, जिस पर काफ़ी फैंस ने उन्हें कमेंट करके पूछा कि क्या आप शादीशुदा हैं, क्या आपकी शादी हो गई आसिम से, क्या आपने शादी करने का फैसला कर लिया है, और क्या आपने शादी कर ली आसिम रियाज चौधरी से. वेल वेल वेल, इनका किसी भी आंसर्स का जवाब अभी तक नहीं मिला है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर है, क्योंकि एक्टर्स इस अवतार में, इस गेटअप में तस्वीरें खिंचवाते रहते हैं, एंड इट इज़ नॉट मोर देन अ पिक एज फार एज आई गेस एंड एज फार एज आई कैन सी, क्योंकि शादी होगी तो ऑब्वियसली सबको पता चलेगा. और लॉकडाउन के फेज में कैसी शादी, क्योंकि आसिम तो जम्मू में है और हिमांशी जो है वो चंडीगढ़ में है. सो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि किस तरीके से हिमांशी इन र्यूमर्स पर रिएक्ट करती हैं. लेकिन क्या आपको भी लगता है कि सच में हिमांशी ने शादी कर ली है, वरना ऐसी पिक्चर हिमांशी क्यों डालती, सोचो सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ.